ये पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की रैली का नजारा है। बुधवार 14 दिसंबर को संगरूर के फतेहगढ़ छन्ना गांव में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी एक सीमेंट फैक्ट्री का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस दौरान कुछ बेरोजगार युवा पुलिस को चकमा देकर पंडाल तक पहुंच गए और मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी करनी शुरू कर दी। आरोप है कि यहां तैनात पुलिस वालों ने नारेबाजी कर रहे युवाओं को चुप कराने के लिए जबरन उनका मुंह दबा दिया। इस जबरन कार्रवाई का शिकार लड़कियां भी हुई। पुलिसकर्मी इन युवाओं को घसीटते हुए पंडाल से बाहर ले गए, उन्हें गाड़ियों में भरकर थाने ले जाया गया। पुलिस के इस कारनामे से जुड़े फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। सामने आए वीडियो में दिख रहा है कि पुलिस एक लड़की का मुंह कपड़े से बंद करने की कोशिश कर रही है और उसे पुलिस की गाड़ी में बिठा रही है। इसी तरह कुछ युवकों का मुंह बंद कर उन्हें रैली से बाहर निकाला गया। विरोध प्रदर्शन में शामिल इन लोगों में से कई टीचर बताए जा रहे हैं। इनका कहना है कि हम अपनी नौकरी की मांग को लेकर पिछले लंबे समय से प्रदर्शन करते आ रहे हैं, लेकिन हमारी 9000 पोस्टों की भर्ती अभी तक जारी नहीं की गई। इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर भी रिएक्शन देखने को मिला है। राहुल ताहिलियानी नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, आप पर शर्म आती है चरणजीत सिंह चन्नी। वहीं दीपक नाम के यूजर ने कहा, प्रियंका गांधी जी ने कहा था लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, हाँ तो क्या गलत कहा उसमें, वो लड़की है अपने हक के लिए लड़ रही। वो बात अलग है कि जिस पार्टी के नेता ने कहा था उनके कानों पर जूं भी ना रेंगे। जैसे मोदी जी 2014 में छोड़े थे, ऐसे ही अब प्रियंका जी 2021 में सब फेंकने वाली कला में निपुण है। वहीं पंजाब भाजपा ने भी ट्वीट कर कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने लिखा, खामोश मुख्यमंत्री मंच पर बोल रहे हैं, बेरोजगार अध्यापकों ने की नारेबाजी, पुलिस ने मुंह दबाकर चुप कराया, बेरोजगार अध्यापकों पर जुल्म ढाती चन्नी सरकार। हाल ही में उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्तियों में कथित घोटाले को लेकर प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। तब राहुल गांधी ने ट्वीट कर यूपी सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था, रोजगार मांगने वालों को यूपी सरकार ने लाठियां दी, जब भाजपा वोट मांगने आए तो याद रखना। प्रियंका गांधी ने भी लाठीचार्ज की निंदा की थी। अब जब पंजाब में पुलिस की बर्बरता की तस्वीरें और वीडियो सामने आए तो लोगों के साथ भाजपा को भी कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। लेकिन सवाल ये है कि सरकार और विपक्ष के बीच चल रहे वार पलटवार के सिलसिले में आखिर बेरोजगारी की समस्या कब हल होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एक्सपोज इंडिया। हाय गाइस, दिस इज आलिया भट्ट। हाय, दिस इज विद्या बालन। हाय, आई एम मैरी कॉम। हाय गाइस, दिस इज नीतू चंद। हाय, दिस इज सना खान। हाय, दिस इज सूरज पंचोली। हाय, दिस इज आफताब शेजानी। नमस्कार, मैं हूं अमन यतन वर्मा। हेलो, आई एम ऋतु सिंह। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, दिस इज विवेक ओबेरॉय। नमस्कार, मैं मनोज तिवारी। हाय, दिस इज संचिता बनर्जी। Expose India.